भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सरकारी दहशतगर्दी को बंद करो। बीजेपी वर्करों कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सियासी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। सियासी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। बंगाल के वर्करो हम तुम्हारे साथ हैं। बंगाल के वर्करो हम तुम्हारे साथ हैं। देश तुम्हारे साथ है। बंगाल के वर्करो देश तुम्हारे साथ है। बंगाल के वर्करो में हुए हैं वहाँ खुल्लम खुला ममता बनर्जी और उसके गुंडू ने एक सुकॉन्सिव दहशतगर्दी वहाँ अडॉप्ट की है और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता है हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। जश्न के नाम पे हमारे आज से जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो देश के किसी कोने में है आज एहतजाज करके ये बावर कराना चाहता कि हम बंगाल के वर्करों के साथ है और आज हम उनके साथ इजहार एकजहती करते और हम ममता बनर्जी को ये वार्निंग दे रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के किसी भी कोने में वो बंगाल के साथ है। आपने जो वहाँ कत्लेआम जो नरसिंहार आपने वहाँ शुरू कर दिया है हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब आपको वापस देना ही पड़ेगा। ये हमारा संकल्प है यही हमारा वादा है। जनता पार्टी ने नहीं हारा। 3 सीटें हमारे पास थे आज हम 77 सीटें ले गई और इन 77 सीटों से ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ गई है। इसको भारतीय जनता पार्टी की जीत रास नहीं आई इसलिए उसने वहां अपने गुंडू को खुले छोड़ के वहां भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को कत्लेआम शुरू कर दिया क्योंकि उसको लगता है आने वाला वक्त बंगाल में परिवर्तन चाहता है और बंगाल में परिवर्तन होके ही रहेगा। आज हमने प्रोटेस्ट इस पर किया कि बंगाल में जो हमारे कार्यकर्ता की शहादत हो रही है जो कि वहाँ पर आपदा इलेक्शन वहाँ पर सरकारी वो ममता बनर्जी के दहशतगर्दों ने तहलका मचाया है और भारतीय जनता पार्टी के आसिफ को और हमारे कार्यकर्ताओं को शहीद किया है वहाँ पर। हम इस चीज को खंडन करते हैं। भारतीय ममता बनर्जी को बौखलाहट आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुत सारी सीटें जो 377 सीटों पर पहुंच गई उनको बौखलाहट आ गए इसलिए उसने अपने गुंडे खुले छोड़े। जो कार्यकर्ता हमारे शहीद हो गए कल वहाँ उनके साथ यकजहती हम कर रहे हैं और पूरा देश उनके उन कार्यकर्ताओं के साथ है। पूरा भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में वो उनके साथ है। कश्मीर यूनिट आज इसी बारे में हम दहशतगर्दी जो पॉलिटिकल दहशतगर्दी ममता बनर्जी ने वहाँ शुरू की उसको बंद